जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज बात चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद का एक कारखाना था, एक फैक्ट्री थी, साबुन की फैक्ट्री। उसमें साबुन भी बनाए जाते थे, चेहरे पर लगाने वाला क्रीम भी और बालों में लगाने वाला तेल भी। दिल्ली में एक जगह है जिस स्थान को हम लोग झंडे वाला के नाम से जानते हैं। झंडे वाला में ही एक मकान में वो कारखाना खोला गया था। फैक्ट्री का नाम रखा गया था, कहिए कि कंपनी का नाम था हिमालयन टॉयलेट्स। हिमालयन टॉयलेट्स के नाम से वो बहुत सा बड़ा बोर्ड लगा रहता था और फर्स्ट फ्लोर पर जाते ही वहां दफ्तर था, उसमें शोरूम बना हुआ था, शोकेस बना हुआ था। उस शोकेस में बसंत पराग नाम से अलग अलग प्रोडक्ट थे। बसंत पराग सोप, जो साबुन उसमें बन रहे थे, बसंत पराग हेयर ऑयल, बसंत पराग क्रीम, और अंदर में फैक्ट्री थी, अंदर में माल बनता था। ये चंद्रशेखर आजाद का कारखाना था। ये बात हो रही है 1930 की। भगत सिंह वगैरह गिरफ्तार हो चुके हैं, बहुत सारे दूसरे साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, क्रांतिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, बहुत कम लोग बाहर बचे हैं। और ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहे हैं, एक कारखाना चला रहे हैं, साबुन का कारखाना, क्रीम और हेयर ऑयल का कारखाना। फैक्ट्री का नाम हिमालयन टॉयलेट्स और सारे प्रोडक्ट बसंत पराग के नाम से बनाए जा रहे हैं, शोकेस में लगे हुए हैं। क्या था ये इस फैक्ट्री का रहस्य, क्या हो रहा था वहां? चंद्रशेखर आजाद फैक्ट्री कहां से खोल रहे थे? क्या चंद्रशेखर आजाद का अलग से कोई धंधा चल रहा था? इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। दरअसल जब सभी क्रांतिकारी, अधिकतर क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए, तो ऐसी स्थिति में सबसे अधिक दल के पास हथियारों की भी अब जरूरत थी और पैसे की भी। इन सब के लिए, हथियार के लिए भी पैसा चाहिए और पैसा के लिए तो खैर पैसा खुद है ही, तो पैसों की जबरदस्त किल्लत थी। कोशिश की जा रही थी कि कहीं पर ऐसा मनी एक्शन किया जाए कि जिससे पैसों का इंतजाम हो सके। 5 जुलाई 1930 को गाडोदिया स्टोर में मनी एक्शन किया गया। बहुत बड़ी वो दुकान रही होगी, इतनी बड़ी दुकान रही होगी कि उस जमाने में 14,000 से लेकर के 17,000 रुपए तक की बात आती है रकम हासिल हुई। कहीं पर यह है कि 13,750 रुपए, मतलब 14,000 के आसपास कहीं 17,000 रुपए का भी जिक्र मिलता है, लेकिन यह बात जाहिर सी बात है कि 14,000 से 17,000 के बीच की रकम हासिल हुई। कुछ क्रांतिकारियों ने लिखा है कि 13,250 रुपए वहां मनी एक्शन में मिले थे, गाडोदिया स्टोर में जो मनी एक्शन किया गया था। गाडोदिया स्टोर में ये जो एक्शन हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इतना ही जान लीजिए कि वहां पर मनी एक्शन किया गया था और पैसे मिले थे। तो अब इसको अलग अलग भागों में चंद्रशेखर आजाद ने बांट दिया। कुछ को अलग कारखाना बनाने के लिए, कुछ को हथियार खरीदने के लिए। कहीं पर वो भगत सिंह का मुकदमा चल रहा था तो वहाँ क्रांतिकारियों का मुकदमा लड़ने के लिए पैसे भेजे गए, कुछ साथी जो अंडरग्राउंड थे उनके पास पैसे भेजे गए, और उसमें से एक बड़ी रकम दे दी गई कैलाशपति को, जो दिल्ली के उस समय प्रभारी हुआ करते थे, बाद में वो मुखबिर हो गए थे। योजना ये बनी कि दिल्ली में एक बम फैक्ट्री बनाई जाए, जहां पर बमों का बड़े पैमाने पर निर्माण हो, और वहां पर विमल प्रसाद जैन नाम के एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने झंडे वाला में वो मकान लिया, बड़ा सा मकान था, और बाकी लोगों को पता नहीं चले कि यहां ये क्या हो रहा है, यहां पर लोग कर क्या रहे हैं। तो इसके लिए वहां पर बाहर बड़ा सा बोर्ड एक लगाया गया, हिमालयन टॉयलेट्स, और लोगों को ये बताया गया कि ये साबुन फैक्ट्री बनी है, साबुन फैक्ट्री की स्थापना की गई है। 5 जुलाई को ये गाडोदिया स्टोर में मनी एक्शन हुआ था। कहीं कहीं एक आध जगह 6 जुलाई भी आया है, लेकिन अधिकतर जगह पर 5 जुलाई 1930 ही ये तारीख मिलती है। और 12 जुलाई 1930 को, यानी 5 से 6 दिन बाद, विमल प्रसाद जैन ने झंडे वाला में वो मकान लिया किराए पर, जहां बम फैक्ट्री बनाई जानी थी। मकान लिए जाने के बाद वहां पर पहुंचे यशपाल, उनके साथ प्रकाशो भी थी,
जो तब तक उनकी पत्नी की तरह उनके साथ रहने लगी थी। और फिर 17 जुलाई को गिरिवर सिंह पहुंचे। गिरिवर सिंह भी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन वहां पर उनको दिखाया गया कि ये नौकर हैं, फैक्ट्री में एक नौकर हैं, अंदर वो काम करते थे, बाहर लोगों को यही जानकारी थी कि ये फैक्ट्री का नौकर है गिरिवर सिंह। और फिर 21 जुलाई 1930 को पहुंचे उस बम फैक्ट्री में काम करने। रसायन शास्त्र के अच्छे जानकार थे, मेधावी विद्यार्थी थे और बाद के दिनों में बहुत बड़े साहित्यकार हुए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जो छद्म नाम रखा गया था वैज्ञानिक, कैलाशपति ने भी जो अपना पूरा बयान दिया अदालत में, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नाम लेने के बजाय हर जगह उसने वैज्ञानिक कहा है। तो 21 जुलाई 1930 को वहां पर पहुंचे अज्ञेय और इस तरह से वहां अब बम बनाना शुरू किया गया। सबसे पहले पिक्रिक एसिड बनाया गया काफी अधिक, ताकि फिर बम, जैसे बम बनाने में वो चरणबद्ध क्रमबद्ध तरीके से कई चीजों को बनाना पड़ता है और फिर अंत में वो बम के रूप में तैयार किया जाता है। तो ये लोग रॉ मटेरियल लाते थे बाजार से और फिर वहां पर पिक्रिक एसिड बनाया गया, और भी जो उसमें बनाया जा सकता था विस्फोटक सामग्री, वो सब सामग्रियां बनाई जाने लगी। बाहर के लोगों को शक नहीं हो, इसका जिम्मा संभाला अज्ञेय ने। अज्ञेय किताबों को, कुछ किताबों को पढ़ करके खुद से ही उन्होंने कुछ सुगंधित क्रीम बनाया, कुछ तेल सुगंधित उन्होंने बनाया और उन सब पर ऊपर से वो पैकिंग करके, और सबका नाम उन्होंने ही दिया था कलात्मक नाम, कला के प्रेमी शुरू से ही थे अज्ञेय, और बसंत पराग का सब जगह ये लेबल लगा दिया, बसंत पराग हेयर ऑयल, बसंत पराग क्रीम। साबुन ये लोग खुद बना नहीं सकते थे, बन नहीं रहा था या बना नहीं पाए या बनाना नहीं चाहते थे, जो भी बात हो, साबुन बाहर से लाया गया और जो साबुन लाया गया उसका रैपर फेंक दिया इन लोगों ने और उसके ऊपर अपना रैपर लगा दिया बसंत पराग साबुन। इस तरह से साबुन, क्रीम और हेयर ऑयल, ये लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, भ्रम में डालने के लिए ये शोकेस में सामान रख दिए गए। ये काम था अज्ञेय का। इस फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे उन्हें अब तक हम लोग जान चुके हैं, एक तो विमल प्रसाद जैन जिन्होंने मकान खरीदा था, जो क्रांतिकारी थे, गिरिवर सिंह आए थे जो नौकर के रूप में जिनको बताया गया था, सच्चिदानंद अज्ञेय आ चुके थे, अज्ञेय आ चुके थे काम करने, यशपाल और प्रकाशवती, और दिल्ली के इंचार्ज कैलाशपति। इतने लोग उस बम फैक्ट्री में काम कर रहे थे। जब पिक्रिक एसिड बनाया जाता था तो उससे बहुत पानी बहता है और वो पीले रंग का पानी रहता है, तो उससे लोगों को शक नहीं हो, वो लगातार पीला पानी बहते रहने से, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि उसका कलर बदल देते थे। जैसे पानी बहाने से पहले उसमें लाल रंग डाल दिए या हरा रंग डाल दिए, अलग अलग तरह का रंग डाल देते थे। बाहर वाले लोगों को लगता था कि अलग अलग तरह की क्रीम बन रही है या साबुन बन रहा है, इसलिए अलग अलग तरह का पानी बह रहा है। तो वहां पानी को पीला के बजाय इन लोगों ने अलग अलग रंग में डाल करके बहाना शुरू किया। काम तेजी से चल रहा था, और कोई काम तो था नहीं इन लोगों के पास, बम बनाना है, सोना है, खाना पीना है। खाना पीना प्रायः इन लोगों ने संस्मरण में जो लिखा है उस हिसाब से बाहर खाते थे, क्योंकि हाथ जो इन लोगों का ऐसा हो जाता था लगातार काम करते करते उसमें भी एसिड वगैरह के साथ, कि खाना बनाना और फिर खाना मुश्किल था वहाँ, तो बाहर खा पी लेते थे, घूम टहल लेते थे उसी बहाने थोड़ा। और यहाँ पर पिक्रिक एसिड, गन काटन और नाइट्रोग्लिसरीन, ये काफ़ी अधिक मात्रा में इन लोगों ने तैयार कर लिया। कुछ जगहों पर तो यह भी आया है कि पोटेशियम साइनाइड भी इन लोगों ने बना लिया था और उसका परीक्षण किया था चूहों पर, एक खरगोश पर भी कुछ परीक्षण किया गया था कि हमारा सामान कितना असरदार बन रहा है, सही बन रहा है कि नहीं, ये भी कुछ संस्मरणों में आया है। तो इस तरह से यहां सब कुछ बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा था। और फिर उसी दौरान घटना हुई कि जब यशपाल और प्रकाशों को लेकर के बहुत तरह की बातें शुरू हो गई, और ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आजाद ने यशपाल को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। यशपाल को कानपुर बुलाया गया जहां चंद्रशेखर आजाद उस समय रह रहे थे, लेकिन वीरभद्र तिवारी ने यशपाल को पहले ही सचेत कर दिया कि तुम्हें मारने के लिए बुलाया गया है, और यशपाल जो है वो चंद्रशेखर आजाद से मिले बगैर कानपुर तो गए लेकिन लौट आए दिल्ली। 13 या 14 अगस्त की ये बात है
मतलब अब बम फैक्ट्री को चले हुए एक महीना लगभग हो गया था, एक महीना उसमें काम जम के हुआ, और 13 या 14 अगस्त की ये बात है जब यशपाल को कानपुर बुलाया गया था, और वहां से अगले दिन ही लौटते हैं, यानी अगर 13 को गए थे तो 14 को, या 14 को गए थे तो 15 अगस्त को। यही तिथि एक दिन का आगे पीछे सभी जगह है, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह है कि 13 या 14 को वो कानपुर गए थे और 14 या 15 को फिर दिल्ली लौटे और यहाँ प्रकाशों को लिए, बहुत सारा हथियार वगैरह लिए, ये जो बम तैयार किया गया था या बम के और जो सामान तैयार किए गए थे उन सबको प्रकाशों को उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से चलना है, और साथ में उनके गए अज्ञेय। अज्ञेय ने न तो समर्थन न विरोध, अच्छा दिल्ली में किसी को पता भी नहीं था कि किस लिए कानपुर बुलाया गया है। वहाँ से लौटने पर विमल प्रसाद जैन ने पूछा कि काओ बड़ा जल्दी लौट आए, कुछ बात तो कुछ नहीं, उनको कहा कि ना ना ऐसे ही बस चले आए, और किसी को कुछ यशपाल वहाँ नहीं बताते हैं, अज्ञेय को साथ लेते हैं और अज्ञेय उनके साथ चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं यशपाल। फिर बाद में ये मामला ठंडा पड़ता है, यशपाल को माफी दे दी जाती है, लेकिन संगठन के बाकी सभी और जो साथी थे वो स्वच्छंद होने लगे थे, कई लोग ऐसे थे जिन पर अब भरोसा नहीं रह गया था, अपनी मर्जी से चल रहे थे, अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, प्रकाशों वाला कांड भी बहुत अधिक बड़ा चर्चा में रहा, इन सब चीज़ों से चंद्रशेखर आज़ाद बहुत दुखी थे, और ऐसी स्थिति में उन्होंने 4 सितंबर 1930 को दिल्ली में सभी प्रांतीय संगठनकर्ताओं की बैठक की और उन सब के बीच हथियार बांट दिए, बोले कि जाओ जिसको जैसे जो करना है करो। 28 सितंबर 1930 को उस मकान का जितना भी किराया था उसको दे दिया गया, किराया पूरा चुका दिया गया, और उस मकान से वहां से हथियार जो भी बम बनाने के सामान थे उनको हटा दिया गया। नवंबर में वो सारा सामान पकड़ा गया था और अंग्रेज अधिकारियों ने लिखा है जितने सामान थे बम बनाने के, वो अंग्रेज सरकार का मानना था, अधिकारियों ने जो लिखा है कि 6000 शक्तिशाली बम बनाए जा सकते थे, इतनी सामग्री बनाई जा चुकी थी। तो ये था चंद्रशेखर आजाद का साबुन का कारखाना, क्रीम और हेयर ऑयल बनाने का कारखाना, वो बस एक इतिहास का ये सुनहरा पन्ना है कि 12 जुलाई को ये शुरू हुआ, 28 सितंबर 1930 को ये पूरी तरह से बंद हो गया, बाद में फिर नवंबर में वो पुलिस के हाथ भी सब कुछ लग गया। इस तरह से दिल्ली की बम फैक्ट्री की कहानी खत्म होती है, हिमालयन टॉयलेट्स जो फैक्ट्री थी उसकी कहानी खत्म होती है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।